मोदी अडानी भाई भाई। ना ना ना, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको बता रहे हैं कि दिन भर आज सोशल मीडिया में ये शब्द खूब ट्रेंड हुआ। विपक्षी दलों के नेताओं समेत वेरीफाइड और जनरल यूजर्स ने इसे लेकर जमकर पोस्टिंग और शेयरिंग की। यूजर्स ने पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पर खूब मीम्स भी बनाए। इसके अलावा मौलाना, जैन मुनि, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और इंदौर शब्द भी सोशल मीडिया पर छाए रहे। हमारे खास सेगमेंट व्हाट्स ट्रेंडिंग में जानते हैं क्या रही इनके ट्रेंड होने की वजह। ये वो वीडियो है जिसे यूजर्स ने खूब शेयर किया और मोदी अडानी भाई भाई हैशटैग से ट्रोल किया। वजह रही गौतम अडानी पर पीएम मोदी की कृपा और पीएम पर लग रहे विपक्ष के आरोप। आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल आईडी से ये ट्वीट कर मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि कहीं 42,000 करोड़ रुपए के काले धन में पीएम मोदी का हिस्सा तो नहीं है। वैभव त्यागी नाम के यूजर ने ये मीम शेयर किया। हाँ हाँ, मैं चोर हूँ, मुजरिम हूँ, कातिल हूँ, जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। जानता हूँ आशा कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर दुनिया का कोई भी इंसान जानबूझ के बुरा काम नहीं करता। ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ। अब ये मीम देखिए जिसमें धारावाहिक रामायण में रावण के संवाद को पीएम मोदी के वीडियो में डब किया गया है। तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। यूजर्स ने कुछ तस्वीरों के जरिए मोदी और अडानी को ट्रोल किया। विक्रम नाम के यूजर ने इस कार्टून के जरिए पीएम मोदी के उस बयान को ट्रोल किया जब मोदी ने संसद में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी है। इस तरह यूजर्स मोदी अडानी भाई भाई हैशटैग के साथ वर्चुअल दुनिया को चलाते रहे। जैन मुनि और मौलाना, ये शब्द भी खूब ट्रेंड हुए। इसका कारण रहा दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख और जमीयत के धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी का ये बयान। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। मौलाना के इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी और यूजर्स को गुस्सा कर दिया। यूजर्स ने मौलाना शब्द को ट्रेंड भी किया और ट्रोल भी। यूजर्स ने इस बयान के जवाब में जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि का ये वीडियो साझा किया। जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे चार गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। अभय प्रताप सिंह नाम के वेरीफाइड यूजर ने कहा कि मौलाना को एक्सपोज करने के लिए सनातनी आपके आभारी हैं जैन मुनि। इसी तरह का ट्वीट बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी किया। वेरीफाइड यूजर प्रशांत उमराव ने ट्वीट कर मौलाना के बयान से असहमति जताई और जैन मुनि को धन्यवाद कहा। वेरीफाइड यूजर शम्स तबरेज काश्मी ने ये वीडियो शेयर कर मौलाना के बयान पर सिख कम्युनिटी की प्रतिक्रिया को सामने रखा। इस तरह पूरे दिन मौलाना का बयान और जैन मुनि का जवाब सोशल मीडिया पर छाया रहा। इंदौर भी ट्रेंड हुआ क्योंकि बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच धर्मशाला से शिफ्ट होकर इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। 1 से 5 मार्च तक खेले जाने वाले टेस्ट मैच को लेकर यूजर्स ने उत्सुकता दिखाई। मुख्यमंत्री ने इंदौर में G20 के तहत कृषि समूह की पहली बैठक का इनॉग्रेशन किया, इस वजह से भी इंदौर ट्रेंड हुआ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये शब्द भी छाया रहा क्योंकि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को कड़ाई मात दी। इसके अलावा केरला, पाकिस्तान, इस्लामिक और ISIS शब्दों पर भी यूजर्स ने पोस्टिंग और शेयरिंग की। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।